स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें हमको खानी चाहिए जिससे हमको थायराइड की बीमारी ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। नंबर वन, योगर्ट। द हम्बल कर्ड फाइंड्स प्लेस इन द सन एज इट इज वन ऑफ द बेस्ट फूड फॉर द थायराइड ग्लैंड। दोस्तों, दही जो होती है बहुत ही अच्छी इसको खाना माना जाता है, जो थायराइड का जो ग्लैंड है उसके लिए। ठीक है दोस्तों, डायरी प्रोडक्ट्स मेनली योगर्ट आर वेरी न्यूट्रिशियस एंड हेल्प टू फुलफिल द आयोडाइन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी। आयोडाइन इज नीडेड फॉर द ऑप्टिमल वर्किंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। दोस्तों, दही जो है उसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स माना जाता है और ये आयोडीन की जो बॉडी में रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आयोडीन इज नीडेड फॉर द ऑप्टिमल वर्किंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। आयोडीन हमको क्यों चाहिए रहता है? क्योंकि थायराइड ग्लैंड को ये काम कर सके, इसके लिए आयोडीन की जरूरत रहती है बॉडी में। तो दही को आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, ताकि थायराइड ना हो। नंबर टू, फ्रूट्स, एप्पल्स, पियर्स एंड सिट्रस। एप्पल्स, पियर्स, प्लम्स एंड सिट्रस फ्रूट्स आर अबंडेंट विथ पेक्टिन्स विच हेल्प विथ डिटॉक्सिफाइंग द बॉडी ऑफ द मर्क्यूरी, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल मेटल्स दैट हैव बीन कनेक्टेड टू थायराइड्स प्रॉब्लम्स। दोस्तों, अगर आप इस डाइट को इस्तेमाल करते हैं जो कि एप्पल्स है, पियर्स है, प्लम्स है, सिट्रस है, जो कि फ्रूट है, ये अबंडेंट मात्रा में है, ये डिटॉक्सिफाई करता है पूरे बॉडी को, यानी कि अंदर का जो कचरा है दोस्तों उसको साफ करता है। बॉडी ऑफ मर्क्यूरी, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल मेटल्स दैट हैज बीन कनेक्टेड टू द थायराइड प्रॉब्लम्स। दोस्तों, ये जैसे ही साफ होता है आपका बॉडी, तो उसमें जो थायराइड प्रॉब्लम्स में वो भी साफ हो जाते हैं दोस्तों उसमें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नट्स एंड सीड्स। नट्स कौन से हैं दोस्तों? जैसे कि पम्पकिन सीड्स होते हैं, ग्रीन कलर के मिलते हैं आपको। सनफ्लावर सीड्स होते हैं, इसके भी पैकेट्स मिलते हैं दोस्तों आपको, 30-40 रुपीज़ के आपको पैकेट्स मिलते हैं किसी भी ड्राई फ्रूट के शॉप्स में। एंड नट्स आर रिच सोर्सेस ऑफ जिंक। दोस्तों, इसमें जिंक की मात्रा जो होती है भरपूर पाई जाती है पम्पकिन सीड्स में और सनफ्लावर सीड्स में और नट्स में। लो लेवल ऑफ जिंक हैव बीन एसोसिएटेड विद थायराइड प्रॉब्लम्स। दोस्तों, जैसे ही आपके बॉडी में जिंक लो होता है तो ये थायराइड प्रॉब्लम को पैदा कर सकता है। एड टू द सलाड्स और मच ऑफ दीज एज स्नैक्स टू रिप्लेनिश योर बॉडी विथ जिंक। दोस्तों, इस आइटम्स को, सीड्स को, पम्पकिन सीड्स को या नट्स को आप अपने सलाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके बॉडी को भरपूर मात्रा की जिंक मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लीगम्स एंड बीन्स। बीन्स एंड लीगम्स आर रिच नॉट जस्ट इन जिंक बट फाइबर एज वेल। दोस्तों, लीक गम्स जो होते हैं काफ़ी भरपूर मात्रा में होते हैं, न फकत जिंक में बट इसमें फाइबर भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं दोस्तों, बीन्स और लेगम्स में। दीज हेल्प टू रेगुलेट द डाइजेस्टिव सिस्टम स्पेशली द बाउल मूवमेंट एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। दोस्तों, ये जो होते हैं बीन्स और लीगम्स, ये जिंक तो होता है बट इसमें फाइबर भी होता है, ये पाचन शक्ति को बढ़ाता है दोस्तों और कॉन्स्टिपेशन की किसी को तकलीफ नहीं होने देता है दोस्तों।
चिक पील्स आर वन ऑफ द हेल्दीएस्ट ऑप्शंस फॉर द थायराइड ऑप्शंस फॉर द थायराइड प्रॉब्लम्स। दोस्तों चिक पीस जो होते हैं ये काफ़ी सेहतमंद जो होते हैं ऑप्शन होते हैं थायराइड के प्रॉब्लम्स इनको होता है उनके लिए। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ रहा है दोस्तों ग्रीन टी। हेल्थ ओरिएंट ग्रीन टी इज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड एज अ श्योर शॉट मेटाबॉलिज्म बूस्टर। दोस्तों ग्रीन टी जो होता है ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। ग्रीन टी हैज कैटेंस अ काइंड ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स दैट फोर्सेस द फैट सेल्स टू रिलीज द फैट एंड हेल्प द लिवर बर्न ऑफ द एग्जैक्ट फैट। दोस्तों ये ग्रीन टी लिवर के लिए भी काफ़ी अच्छा साबित होता है। ठीक है दोस्तों ये जो होता है ये फैट को जलाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों ये लिवर के लिए भी अच्छा साबित होता है दोस्तों। लिवर के अंदर जो फैट्स होता है उसको भी बर्न करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट है होल ग्रेन्स। द बॉडी यूजेस मोर एनर्जी टू डाइजेस्ट होल ग्रेन्स। दोस्तों बॉडी को काफ़ी एनर्जी लगती है डाइजेस्ट करने के लिए होल ग्रेन्स को। द मेटाबॉलिज्म इंक्रीजेस विद द एक्स्ट्रा फाइबर एज द बॉडी हैज टू वर्क हार्डर टू ब्रेक डाउन द होल ग्रेन। द मेटाबॉलिज्म इंक्रीजेस द एक्स्ट्रा फाइबर। जो मेटाबॉलिज्म होता है दोस्तों इंक्रीज करता है एक्स्ट्रा फाइबर को और बॉडी को हार्डर बना देता है टू वर्क हार्डर ब्रेक डाउन द होल ग्रेन्स। ट्राई टू ईट ओट्स ब्राउन राइस स्प्राउट्स स्प्राउटेड ग्रेन ब्रेड एंड क्विनोआ टू रिव्यू अप मेटाबॉलिज्म एंड हेल्प यूर थायराइड ग्लैंड। दोस्तों अभी जैसे ओट्स होता है ये आप नाश्ते में खा सकते हैं, ब्राउन राइस होता है, ठीक है दोस्तों, स्प्राउट्स बोलते हैं छिलके हुए दाने के जो रहते हैं मूंग के स्प्राउट्स आते हैं, ब्राउन राइस जैसे कि आप भुगा चावल भी खा सकते हो दोस्तों, स्प्राउट ग्रेन ब्रेड आता है जो वीट का आता है, तो ये सब होल ग्रेन वाली चीज़ें अगर आप खाते हैं तो ये जो होता है ये थायराइड ग्लैंड को उसको मदद करता है, उसको मेटाबॉलिज्म आता है दोस्तों उसमें। तो फ्रेंड्स मैं आपको रिपीट कर देता हूँ एक बार, थायराइड में अगर आपको सफ़र कर रहे हैं या अगर आप चाहते हो कि थायराइड नहीं हो तो कौन सी चीज़ें खानी चाहिए। होल ग्रेन्स, ग्रीन टी, लेगम्स एंड बीन्स, नट्स एंड सीड्स, फ्रूट्स एप्पल पियर्स एंड सिट्रस और योगर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा वीडियो आप उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाए जिनको लगता है कि ये बीमारी से सफ़र कर रहे होंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू।